चाल एवं वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। क्रियाकलाप एक, दो बसों ए व बी की गति से संबंधित कुछ आंकड़े सारणी क्रमांक एक में दिए गए हैं। पहला कॉलम समय, दूसरा कॉलम बस ए के द्वारा तय की गई दूरी जो किलोमीटर में है, तीसरा कॉलम बस बी के द्वारा तय की गई दूरी किलोमीटर में है। इन आंकड़ों का अवलोकन करें। अवलोकन के पश्चात बताएं कि क्या दोनों बसों के लिए समय का अंतराल समान है, कौन सी बस समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है। उक्त सारणी क्रमांक एक के अवलोकन से ज्ञात होता है कि ए व बी दोनों के लिए समय अंतराल समान है। बस ए द्वारा समान समय अंतराल में समान दूरी 10 किलोमीटर तय की जा रही है, जबकि बस बी द्वारा समान समय अंतराल में असमान दूरी तय की जा रही है। किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने में, जैसे 30 किलोमीटर, बस ए व बस बी द्वारा लिया गया समय अलग अलग है। बस ए 30 किलोमीटर दूरी 45 मिनट में तय करती है, जबकि बी यही दूरी 60 मिनट में। इसमें ए तेज गति से चलती है और बी धीमी गति से चलती है। बस के गति की दर का पता लगाने के लिए बस द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी नापी जाती है। इस राशि को चाल कहते हैं और इसका मात्रक SI पद्धति में मीटर प्रति सेकंड है। बस की चाल का अन्य मात्रक किलोमीटर प्रति घंटा भी होता है। बस की औसत चाल बस के द्वारा तय की गई कुल दूरी और कुल समयांतराल का अनुपात होता है। औसत चाल बराबर तय की गई कुल दूरी बटे कुल समयांतराल। क्रियाकलाप एक में बस ए और बस बी की चाल की गणना करें। प्रातः 9 बजे से 9:15 बजे तक अर्थात एक घंटे का चौथा भाग, बस ए की औसत चाल बराबर 10 किलोमीटर बटे एक घंटे का चौथा भाग बराबर 10 गुणित 4 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी प्रकार बस बी की औसत चाल बराबर 8 किलोमीटर बटे 1 बटे 4 घंटा बराबर 8 गुणित 4 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 32 किलोमीटर प्रति घंटा। सारणी क्रमांक दो, बस ए की चाल नियत है, अतः यह समान गति कर रही है, जबकि बस बी की चाल बदल रही है और वह असमान गति कर रही है। अपने दैनिक जीवन से एक समान गति और एक असमान गति, परिवर्ती गति के उदाहरण ढूंढें।